बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको पहलवानों के शहर गुजरांवाला के एक और टूर व्लॉग में। ऐसे रेस्टोरेंट पे आए हैं जहाँ पे आपको पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, तुर्किश और अरेबिक फूड खाने को मिलेगा। सो हम आ चुके हैं जी आज कबाब वर्ल्ड पे। तो ये है जी कबाब वर्ल्ड और इसकी लोकेशन के बारे में बताता चलूँ, तो ये है फजल सेंटर। फजल सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलेगा कबाब वर्ल्ड। सो चलते हैं अंदर, मेन्यू चेक करते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं और टेस्ट चेक करते हैं कि टेस्ट में कैसा है। सो ये आ चुका है जी इनका मेन्यू। फर्स्ट आपको जो है सूप मिल जाएंगे, उसके बाद आपको सलाद मिल जाएगा, उसके बाद आपको इनका मिक्स एपेटाइज़र है, उसके बाद स्टार्टर्स हैं। नेक्स्ट पे देखा जाए तो नेक्स्ट पे आपको तुर्की स्पेशल, जिसके अंदर इनके जो स्पेशल शॉर्मा वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको फास्ट फूड का टच भी मिलेगा। नेक्स्ट हम देखें तो हमें यहाँ पे बारबेक्यू प्लेटर मिल जाता है, जिसमें इनके पास चार किस्म के प्लेटर हैं, जिसमें एक पर्सन के लिए दो से तीन, तीन से चार और छः से आठ पर्सन के लिए इनके पास बारबेक्यू प्लेटर अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो इनके पास कबाब की वैरायटी है, और नेक्स्ट देखा जाए तो देसी फूड आ जाता है, जिसमें इनके पास 14 किस्म की हांडियाँ, डिफरेंट हांडियाँ इनके पास। और नेक्स्ट पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको राइस मिल जाएंगे, जिनमें इनके पास बिरयानी, काबली पुलाव वगैरह और इनका स्पेशल जो है फुल लैम मंदी भी इनके पास अवेलेबल है, जो कि आप प्री ऑर्डर पर तैयार करवा सकते हैं। और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा चाइनीज़ टच मिल जाएगा, और नेक्स्ट पे आपको मिल जाएगा जी इनका ब्रेड सेक्शन, और लास्ट पे इनकी डिज़र्ट का, और साथ इनके फ्रेश लाइम वगैरह, मिन मार्केट और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आपको मिलेंगे। सो अब हमारा बारबेक्यू प्लेटर तैयार होने लगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाएगी तुर्किश ब्रेड आ जाएगी, उसके बाद आ जाएंगे इसके अंदर चिकन कबाब आ जाएंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे बीफ कबाब आ जाएंगे। अब सब आ जाएगा हमारा बीफ टिक्का, अब आ जाएगा जी चिकन टिक्का, अब हमारे आ जाएंगे लेम चॉम्स आ जाएंगी। ओहो क्या बात है माशाल्लाह। अब आ जाएगा ऊपर सैलड आ जाएगा, ग्रिल टमाटो और ग्रिल चिली आ जाएगी इसके ऊपर। इसके बाद आ गए जी हमारे पास फ्राइज। सो अब हमारा तुर्किश शवारमा तैयार होने लगा है। ये तुर्किश ब्रेड है तो इसके ऊपर आ चुकी है अब इनकी सॉस, आ जाएगी जी गार्लिक सॉस आ जाएगी, गार्लिक सॉस के ऊपर आइसबर्ग आ गए। ओहो हो, अब इसके ऊपर आ जाएगा जी ऑनियंस आ गए हैं, प्याज, अब इसके ऊपर आ गया पिकल, पिकल्स आ गई हैं जी हमारी, अब इसके ऊपर आ जाएगी चिप्स, फ्राइज आ गई है, अब आ गया जी हमारा चिकन, अब इसको रोल कर दिया जाएगा, अब इसको फ्यूल पेपर के अंदर जो है ना रोल कर दिया जाएगा। साइज चेक कर सकते हैं आप शवारमे का। ओहो सो हमारा एपेटाइज़र तैयार होने लगा है। फर्स्ट इसके अंदर आ जाएगा हुमस, सो नेक्स्ट आ जाएगा मुतब्बल, सो नेक्स्ट आ जाएगा बाबा गनोश, सो नेक्स्ट तुर्किश गार्लिक आ जाएगी, नेक्स्ट योगर्ट का कुंभर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा तुर्किश सैलड आ जाएगा,
सुनें जी, खाना हमारा आ चुका है माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मिक्स एपेटाइज़र है, उसके बाद हमारे चिकन विद ऑलमेड है, साथ हमारे फ्राइड राइस हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है तुर्किश मिक्स बारबेक्यू प्लेटर आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अदाना कबाब, उसके बाद आ जाता है हमारे पास तुर्किश ओपन शवारमा प्लेटर, उसके बाद हमारे पास आ जाता है तुर्किश शवारमा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनका फेमस काबली पुलाव, उसके बाद आ जाती है हमारे पास वाइट चिकन कढ़ाई आ जाती है, देन हमारे पास आ जाती है तुर्किश ब्रेड आ जाती है, और साथ है हमारे पास मिन मार्गरेटा। सो शुरू करते हैं अपना खाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं सर्विंग बताता चलूँ, ये 3 से 4% की सर्विंग है इस प्लेटर की। सो शुरू करते हैं, साथ हम ले लेंगे इनकी तुर्किश ब्रेड जो कि अथेंटिक इनकी तुर्किश ब्रेड है, साथ हम अपने एपेटाइजर में से थोड़ी सी हम इनकी गार्लिक सॉस लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब हमने ले लिया, इसको भी हम, मुझे इनकी गार्लिक सॉस बड़ी पसंद आई यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट हम जो है अपनी लैम चॉम्प ट्रेस कर लेते हैं कि वो टेस्ट में कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपना ऑलमेड भी चिकन टेस्ट कर लेते हैं, साथ हमारे पास जो है इनके फ्राइड राइस हैं, साथ हम ले लेंगे ऑलमेड विद चिकन। तो अब हम अपनी फ्राइड चिकन कढ़ाई टेस्ट कर लेते हैं कि वो टेस्ट में कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम अपना काबली पुलाव टेस्ट कर लेते हैं कि वो टेस्ट में कैसा है। पीस है अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना काबली पुलाव टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका पीस चेक करवा दूं। ओहो रेशे से रेशा जो है ना वो अलहदा हो रहा है उसका, ये देखें। ओए टेंडरनेस चेक कर रहे हैं आप पीस की। सो टेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। सो अब हम टेस्ट करते हैं अपना तुर्किश शवारमा प्लेटर। सो इसमें आपको मैं दिखाता चलूँ तो आपको ब्रेड मिलेगी, तुर्किश ब्रेड है, उसके साथ चिकन है, और साथ इनकी गार्लिक सॉस है, कुकम्बर मिलेगा, उसके बाद आपको लेटस मिल जाएगा, और साथ आपको इनका सलाद मिलेगा, प्याज ओनियन मिल जाएगा। तो टेस्ट करते हैं कि टेस्ट में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आने वाला। मज़े का यार। सुलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो खा लिया गया यार। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपको एक ही रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी, चाइनीज़, कॉन्टीनेंटल, अरेबिक, ऑथेंटिक तुर्किश खाना आपको खाने को मिलता है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इनका शेफ़ है, जो मेन शेफ़ है ना इनका, वो उन्होंने तुर्की से हायर किया हुआ है। तो बाकी बात की जाए इनके तुर्किश बारबेक्यू प्लेटर की, तो यार ओवरऑल सारा प्लेटर अच्छा था। जो मुझे फेवरेट लगा है ना वो जो इनकी वो चॉम्प्स थी ना, लैम चॉम्प्स थी, ओए होए यार उनके जो मसाला जात थे ना उसके अंदर तक रचे हुए थे, और वो प्रॉपर मज़ा करवा रही थी, और कबाब वगैरह भी, और वो टिक्का बोटी, वो यार एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बात की जाए काबली पुलाव की, मेरे ख्याल से गुजरांवाला में इससे बेस्ट काबली पुलाव कहीं भी नहीं मिलेगा। मेन चीज़ है जो बीफ फुल ऑफ जूसी और टेंडर था कि आपको एक एक बाइट में उसकी जूसीनेस महसूस होगी। और बाकी एंड पे जो इनका मिंट मार्गरीटा था ना, हमने किए भी है, कितने भी हैं व्हाट्सएप बताएं। तकरीबन कोई मेरे से 9 से 10 मिंट मार्गरीटा पी गए। हम 9 से 10 मिंट मार्गरीटा इनके पिए हैं यार। इतना लेवल का, इतना मज़े का यार कि बस। अब तो वैसे भी सीज़न चेंज हो रहा है, लेकिन यार फिर भी मज़े का। सो बाकी होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और शेयर लाजमी कीजिएगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।